सो वेलकम टू जैन ट्यूटोरियल, इट इज जैन ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लास फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। टुडे स्टडी आवर क्लास 10th फिजिक्स, इट इज मॉडर्न फिजिक्स एंड वी आर इन द वीडियो नंबर 6। 5 तक देख चुके होंगे न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ चुके हैं। फ्यूजन में क्या होता है, हेवी न्यूक्लियस को हम लोग तोड़ सकते हैं इंटू लाइटर न्यूक्लियस विथ रिलीज ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी, एग्जाम्पल भी किए थे। न्यूक्लियर फ्यूजन उल्टा होता है, कॉम्बिनेशन था, इसमें लाइटर न्यूक्लियस को मिला के एक हेवी न्यूक्लियस विथ लॉट ऑफ एनर्जी। तो एग्जाम में डिफरेंस लिखने भी आता है, तो क्या क्या डिफरेंस है, ये प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग तोड़ना, और ये क्या है कॉम्बिनेशन, हेवी को तोड़ना इसमें लाइटर को जोड़ना। ये चेन रिएक्शन है, कभी खत्म नहीं होगा, ये चेन रिएक्शन नहीं है। एक बार स्टार्ट कीजिएगा, हाइड्रोजन सप्लाई बंद तो ये भी बंद। एनर्जी कैन बी कंट्रोल्ड, रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसमें एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकते। ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। रिएक्शन कैन बी कंट्रोल्ड, रिएक्शन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। न्यूक्लियर वेस्ट रिमेन्स, नो न्यूक्लियर वेस्ट रिमेन्स। अंडरस्टूड, इसमें रेडिएशन बचता है, इसमें रेडिएशन नहीं बचता है। और एग्जाम्पल कोई बोलेगा तो इसका एग्जाम्पल है एटम बम, इसका एग्जाम्पल है सन में ऐसा होता है। अंडरस्टूड, एग्जाम में आ सकता है, नोट कर लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ समझा दिए, प्रैक्टिस करना पड़ता है। सो लुक हियर, कंप्लीट द रिएक्शन। सोडियम 22-11 से हो गया मैग्नेशियम 0 माइनस बीटा, तो व्हाट इज द मास नंबर, कंप्लीट द रिएक्शन यहां पे, और व्हाट इज द एटॉमिक नंबर। बोलिए जितना इधर है उतना उधर है, यहां पे 22 है तो इधर भी 22 होना चाहिए, ऑलरेडी यहां पे 0 आंसर का, मास नंबर कितना होगा 22 और 0 हो गया 22। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बैलेंस हो जाए, इधर 22 है इधर भी 22 होना चाहिए, ऑलरेडी 0 है 22 ही लिखना पड़ेगा। आइए एटॉमिक नंबर क्या है, इधर 11, इधर क्या लिखेंगे कि आ जाए 11। बोलिए यहाँ पे क्या लिखें हम, माइनस ऑलरेडी और है 12 होगा, 12 में 1 गया 11, एटॉमिक 12 लिखेंगे तब ना 1 कम होगा तब ना 11 बचेगा। अंडरस्टूड, चलिए एक और ऐसा क्वेश्चन, दो दो नंबर मिल जाता है, मैं दो नंबर इसमें दे दिया, दो नंबर इसमें दे दिया, 238.92 से बन गया, तो बोलिए मास नंबर में 4 का कमी, एटॉमिक नंबर 2 में कमी, क्या होगा आंसर, हीलियम हो गया। सो इट इज कौन, हीलियम इज ए अल्फा पार्टिकल। अंडरस्टूड, हीलियम आंसर होगा, 238 है यहाँ, 234 था, यहाँ पे क्या लिखेंगे एनर्जी के साथ क्या निकलेगा, एक अल्फा पार्टिकल, यहाँ 4 होगा 4 हीलियम 2। विच रेडिएशन प्रोड्यूस मैक्सिमम हम लोग का कॉज, मतलब सबसे अधिक कौन करता है, गामा रेज। ये गामा रेज हम लोग को सबसे ज़्यादा क्या देता है, हार्मफुल है फॉर एस, है कि नहीं। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, नील पूछा, इसका एटॉमिक जो सबसे ज्यादा हार्मफुल है हम लोग के लिए कौन, अल्फा बीटा गामा में सबसे ज्यादा गामा है विच कैंसर्स कॉज करता है, एटॉमिक नंबर इसका नहीं होता है, नील है, क्योंकि ये सबसे हल्का है, मास नंबर भी नहीं है, एटॉमिक नंबर भी नहीं है। नेम रेडिएशन, जो स्पीड ऑफ लाइट से सबसे ज्यादा स्पीड हम पढ़ चुके हैं पिछला क्लास में, गामा रेज का सबसे अधिक स्पीड होता है, क्लियर है। हाई आयोनाइजिंग पावर सबसे अधिक किसका होता है पूछ रहा है, हाई आयोनाइजिंग पावर, हाईएस्ट आयोनाइजिंग पावर क्या आंसर होगा, अल्फा, यू विल गेट 2 मार्क्स। चलिए एक्स फोर्टीन 6 से बन गया, वाई 47, कौन सा रेडिएशन हुआ, है ना, कौन सा रेडिएशन हुआ, 14 6 7 यहाँ पे कौन सा रेडिएशन, यहाँ पे क्या लिखेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, 0 लिखना पड़ेगा, 14 0 कहेंगे ना 14 होगा, मास नंबर एटॉमिक नंबर 6 है 7 है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 1, ये किसका होता है, बीटा पार्टिकल, तो आंसर होगा बीटा पार्टिकल। रिएक्शन लिख दिए, रेडिएशन क्या बोलेंगे, एक फास्ट मूविंग क्या है, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो इसे सिंपल क्वेश्चन पूछता है, अंडरस्टूड, बैलेंस करना है 14C6 14C7, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या लिखेंगे, मास नंबर सेम होना चाहिए 14 14, तो पक्का यहाँ पे 0 होगा तब ना मास नंबर सेम रहेगा, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 6 कर देगा इसको, माइनस 1, किसका होता है, ई मतलब बीटा पार्टिकल, तो पार्टिकल का नाम हो गया बीटा, रिएक्शन भी लिख दिया, यही रिएक्शन का आंसर हो गया, और ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए।
चलिए क्वेश्चन 2013 में आया था, विच कॉज, विच रेडिएशन कॉज मैक्सिमम, आंसर होगा गामा, गामा रे से कैंसर होता है खत्म। डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड से कौन होता है, अल्फा और बीटा, और ज्यादा कौन होता है तो बोलेंगे बीटा, अल्फा भी होता है बीटा भी होता है, बीटा ज्यादा होता है, अल्फा भारी होने के कारण थोड़ा कम होता है बताएं, और गामा का नो डिफ्लेक्शन, तो आंसर होगा बीटा और अल्फा दोनों ही का क्या हो रहा है डिफ्लेक्शन, अगर मुझे सबसे अधिक तो क्या होगा आंसर बीटा, थोड़ा कम किसका होगा अल्फा, क्योंकि अल्फा भारी है। अंडरस्टूड, आइए एग्जाम क्वेश्चन, 4 मार्क्स मिल सकता है आपको इस तरह का क्वेश्चन में, 69 17 x 3, एक अल्फा निकला, बोलिए इसके पहले कितना लिखेंगे कि अल्फा 4 ज्यादा होता है, तब ना 4 कम करेगा ये, बोलिए यहां पे क्या लिखेंगे कि एक अल्फा हीलियम की तरह है, उससे निकल गया तो यहां पे 73 होगा, यहां पे 17 है तो यहां पे पक्का क्या होगा 19 में से 2 निकला 17, देख रहे 4 का अंतर है, हीलियम 4 का अंतर करता है, आइए फिर अल्फा निकला था और 4 जिसका ज्यादा होगा तब ना 4 कम कर दिया, इसके पहले 77 होगा, अंडरस्टूड, और ये 19 है तो ये कितना होगा पक्का 21, अंडरस्टूड, इस बार अब आइए x, अब x का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो x का ही है, बोलिए बीटा निकला, बीटा में मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, एटॉमिक नंबर इधर में क्या होता है ये बढ़ जाता है तो यहाँ पे क्या होगा 20, बीटा क्या है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, 20 लिखेंगे तब 21 होगा, बढ़ता है ना बीटा पार्टिकल, बढ़ाता है बीटा पार्टिकल, बढ़ाता है, यूरेनियम 232 92 में बीटा निकलेगा 238 ही रहेगा, 93 कर देगा नेपच्यूनियम, अंडरस्टूड, इधर से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से देख लीजिए अल्फा निकला है, बोला मास नंबर कितना होना चाहिए था कि एक अल्फा निकलने से बैलेंस कर दे, 4 ज्यादा होगा तब ना 73 और 2 ज्यादा होगा तब ना 2 कम किया ये वाला, तो यहाँ पे क्या 19 तब एक हीलियम कम हो गया, फिर एक अल्फा निकला मतलब फिर एक हीलियम निकला, यहाँ पे 4 ज्यादा होना चाहिए था, यहाँ पे 2 ज्यादा होना चाहिए था, बीटा पार्टिकल क्या करता है मास नंबर को बढ़ा सेम करता है एटॉमिक नंबर को बढ़ाता है, 21 के पहले क्या होगा 20, तो क्या आंसर है मास नंबर ऑफ एक्स एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स, बोलिए मास नंबर 77 एटॉमिक नंबर 20, अंडरस्टूड, किसे बनाया है नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014, सोडियम 11 24, एक बीटा पार्टिकल निकला मैग्नीशियम बना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़ा एक बार, चलिए इक्वेशन लिख रहे बोल रहा है सोडियम 24 11 से मैग्नीशियम और एक बीटा पार्टिकल निकल गया 0 - 1 24 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 24, यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे किसको 11 कर देगा 12 खत्म, 24 क्या है सोडियम का मास नंबर, 11 क्या है एटॉमिक नंबर, खत्म, पूछ रहा 24 और 11 क्या सिंबल दे रहा है मास नंबर एटॉमिक नंबर, मास नंबर इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। थर्ड क्वेश्चन है ये दोनों क्या चीज है, ये दोनों में क्या रिलेशन है, सोडियम सॉरी मैग्नीशियम Mg12 और सोडियम दोनों का मास नंबर सेम है कि नहीं, मास नंबर सेम है तो क्या बोलते हैं इसको आइसो बार्स, मास नंबर सेम डिफरेंट एटॉमिक नंबर सोडियम एंड मैग्नीशियम आर कोल्ड, सोडियम एंड मैग्नीशियम के बारे में पूछ रहा है ये दोनों में क्या रिलेशन है तो आंसर होगा आइसो बार्स है, अंडरस्टूड। देयर इज ए लेड बॉक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है, क्लियर है, लेड बॉक्स के अंदर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखेंगे, प्रिकॉशन भी क्या होना चाहिए बताएंगे, रेडिएशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो दो क्वेश्चन है कि बताइए अल्फा बीटा गामा रेज, ये क्या होगा गामा रेज, पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव की तरफ कौन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कौन है अल्फा है कि नहीं, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव जाएगा अल्फा अट्रैक्शन, पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा बीटा, थोड़ा ज़्यादा झुकाइएगा इसको है कि नहीं, ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो गया, 2 नंबर एग्जाम मिल जाएगा, क्लियर है, यूरेनियम है लेड बॉक्स तो पहले इनको तो लेड बॉक्स में रखना चाहिए, 4 क्या 4
प्रिवेंट क्या, बचाने के लिए क्या, रेडिएशन, हम लोग को रेडिएशन से बचाने के लिए इसको लेड बॉक्स में रख एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, क्लियर है। और हम लोग को क्या करना चाहिए, इसको इसको दूर, क्योंकि लेड बॉक्स क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत ज़्यादा रेडिएशन नहीं निकलने देता है, क्लियर है। हम लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से इसको क्या होना चाहिए, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से अवे होना चाहिए, दूर से यही एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। पहले तो लेड बॉक्स में रखना चाहिए यूरेनियम को, सो दैट ये क्या करता है, लेड का प्रॉपर्टी है कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता, बहुत कम रेडिएशन निकालेगा। दूसरा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हम लोग दूर रहना चाहिए, दूर से देखना चाहिए एक्सपेरिमेंट, नज़दीक से नहीं, बिकॉज इट विल कॉज व्हाट, गामा रेज है, क्या कॉज करता है मालूम है, कैंसर, अंडरस्टूड। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एक क्वेश्चन इज देयर 2015, ए का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिया हुआ है, तो प्रोटॉन 84 है, इलेक्ट्रॉन भी 84 है, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 84, मास नंबर जोड़ने से मिलेगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा 212, तो एटॉमिक नंबर 84, मास नंबर क्या हो गया 212। अब ए से अल्फा निकला है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, मास नंबर 212, क्लियर है, एटॉमिक नंबर 84, एक अल्फा निकला तो क्या बना, बी बना, क्लियर है, बी बना, बी का पूछ रहा है, बी का मास नंबर, एटॉमिक नंबर, चाहे प्रोटॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना, चलिए बी के बारे में क्वेश्चन, सबसे पहले था ए का आंसर आ गया, सेकंड क्वेश्चन बना रहे बी का आंसर, बोलिए अल्फा निकलने से मास नंबर में 4 का कमी, एटॉमिक नंबर में 2 का कमी, तो मास नंबर हो गया 208, एटॉमिक नंबर हो गया 82, क्लियर है, बस हुआ है कि नहीं, प्रोटोन बोलेगा तो माइनस कर दिए, 8 में 2 गया 6, 126 प्रोटोन बोलेगा तो 82, माइनस कीजिएगा तो क्या निकलेगा, क्या 21126, बी बन गया। अब बी से क्या बन रहा है, सी, और एक क्या निकल रहा है, बीटा पार्टिकल। अब सी का क्वेश्चन, बोलिए सी का मास नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर कितना होगा, मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बीटा पार्टिकल निकलने से एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाता है, पूछेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना है, तो 83, न्यूट्रॉन माइनस करके बता दीजिए 83, 8 में 3 गया 5, क्लियर है, न्यूट्रॉन होगा 125, अंडरस्टूड। अब सी से निकला डी, डी गामा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो डी जो सी का है वही होगा 20883, बोलिए डी का मास नंबर, एटॉमिक नंबर जो सी के ही बराबर होगा, गामा पार्टिकल निकलने से सी से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी से डी निकल रहा है, सॉरी सी से डी बन रहा है गामा पार्टिकल, तो मास नंबर में कोई फर्क नहीं, एटॉमिक नंबर में कोई फर्क नहीं, अंडरस्टूड, समझ में आ गया, एकदम अच्छा से बता दिए हैं, नोट कर लीजिए। एक और 2019 में क्वेश्चन आया था, व्हाई न्यूक्लियर फीजन इज कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, बिकॉज इसमें क्या होता है, हेवी न्यूक्लियस क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है इनटू क्या, लाइटर न्यूक्लियस टू गिव क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट के चलते ये रिएक्शन, न्यूक्लियर फीजन इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर, बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, न्यूक्लियस टूट टूट के हीट के रूप में हम लोग को मिलता है, सच रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा हीट मिलता है, इसलिए न्यूक्लियर फीजन में हम लोग को क्या मिलता है, हीट मिलता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी बोलते हैं या प्रोसेस भी बोलते हैं। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है बैलेंस करने के लिए, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, चलिए 3 और 2 5, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1 हो गया 5, बैलेंस करना है 2 और 1 3, 2 है तो यहाँ क्या होगा 1, 3 इधर भी है, 3 उधर भी होना चाहिए, एटॉमिक नंबर 5 होना चाहिए तो 1 लिखना पड़ेगा, मास नंबर 5 होना चाहिए तो 5 लिखना पड़ेगा, तो 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे क्वेश्चन मार्क में, 1 तब ना 5 करेगा, यहाँ पे कितना 2 और यहाँ पे कितना है 1, कितना हो गया 3, इधर कितना है 2 और ये होगा 1, तो बोलिए 1 किसका होता है, ये प्रोटॉन का होता है,
आंसर बता चुके हैं, प्रोटॉन का होता है 1-1, 1-1, या हाइड्रोजन लिख सकते हैं या 1P1, हाइड्रोजन ही लिख दीजिए, हाइड्रोजन 1H1 हाइड्रोजन, 1-1 इज हाइड्रोजन, 1-1 इज प्रोटोन, स्वर है कि नहीं, 0-1 इज इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल, क्लियर है। न्यूट्रॉन का क्या होता है, 1-0 होता तो न्यूट्रॉन लिखते हम लोग, अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। 235 यूरेनियम 92, 1 न्यूट्रॉन 0, 144 बीए, रिएक्शन कंप्लीट करके आपको बेरियम का एटॉमिक नंबर लिखना है और इसका मास नंबर लिखना है। चलिए एटॉमिक नंबर लिखना है किसका, बेरियम का, बोलिए कैसे लिखेंगे, नहीं पता, मान लीजिए क्या मान लीजिए इसको एक्स, इसको क्या मान लेंगे वाई, इधर कितना है 92 प्लस कितना हो गया 0, उधर क्या है एक्स, इसका कितना है 36 और न्यूट्रॉन का क्या होता है 0, 92-36 उधर एक्स बचा तो एक्स का वैल्यू 50, तो बेरियम का क्या होगा एटॉमिक नंबर, तो बोलिएगा 56, क्लियर है, ये हो गया 56, अंडरस्टूड, और ऊपर क्या है 144। अब आइए मास नंबर ऑफ क्रिप्टन लिखना है इस रिएक्शन में, मान लीजिए वाई मान लिए, बोलिए क्या होगा, इधर कितना है 235 प्लस कितना होगा 1, उधर कितना हो गया 144 प्लस वाई नहीं पता, और 3×1 तीन गो न्यूट्रॉन, मैथ से सिंपल सा, 236-144-3 = y, 236-147 = y, सो y इज इक्वल टू 16 में 7 गया 9, 12 में 4 गया 8, 89। सो क्या हुआ, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36 और मास नंबर क्या हुआ 89। इस तरह से काफी क्वेश्चन कर दिए, चैप्टर खत्म हो गया, सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, नोट कर लीजिए।